ध्यान दीजिए कि मैं अत्यधिक बलशाली और बलवान बन सकूं। केवल वही नहीं, मेरी मृत्यु शक्ति द्वारा कदापि न हो जिसने मेरे पिता का वध किया। विष्णु या विष्णु का कोई भी अवतार मुझे परास्त न कर सके। उचित है भीमो, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। Thank you.
कायम किया है अपने साथ भीमासुर। इस अध्याय की श्री राम द्वारा कुंभकर्ण का वध हुआ था, किंतु ये सत्य पूर्ण सत्य है, ये अर्ध सत्य है। तुमने इसी अर्ध सत्य के आधार पर अपने जीवन की दिशा निश्चित कर ली। प्रतिशोध के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। यदि तुम्हें यह ज्ञात होता कि तुम्हारे पिता ने अपने प्राण त्यागने से पूर्व स्वयं श्री राम को नमन किया था, तो क्या तब भी तुम उसी बाल का चयन करते कि मासूम श्री राम को नमन किया? ने ये मृत्यु श्री राम का आशीर्वाद समझ कर स्वीकार किया, अत्यंत समझ करते। किंतु क्रोध प्रतिशोध और अहंकार में तुमने संपूर्ण सत्य को जानने का प्रयास ही नहीं किया भीमासुर। दुरुपयोग करने लगे। प्रभु, आपने अपने भक्त की रक्षा की, मेरी भक्ति का मान रखा। प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप सदैव इस स्थान पर स्थापित होकर इसी प्रकार अपने भक्तों का उद्धार करते रहें, ताकि कोई भी बुराई उनकी भक्ति और उनकी श्रद्धा को खंडित ना कर सके। प्रभु महादेव, आप अपने भक्तों के संरक्षण हेतु, उनके उद्धार हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। आज आपने न केवल भीमासुर के अहंकार का नाश किया, हेतु ब्रह्मदेव के वरदान का मान रखने हेतु मेरी सहायता भी की है। इसी कारण से मेरी भी आपसे यही प्रार्थना कि स्थान पर आपकी ऊर्जा सदा स्थापित रहे। आगे बढ़ेगा, कलाकार ध्यान दें, आगे बढ़ाए।
राम भैया, हाँ बाबा।